स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। हाँ जी, आज हम जो हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोबेबिलिटी, उसके अंदर टू कार्ड्स ड्रोन के क्वेश्चन करेंगे। तो टू कार्ड्स वाले हम 50 क्वेश्चन करेंगे। 50 क्वेश्चन के अंदर आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। 50 क्वेश्चन से अलग और कोई क्वेश्चन नहीं होता कार्ड्स का। तो सबसे पहले तो कार्ड्स में हमने देखा क्या था, वो चीज़ ध्यान रखनी अपने को कि जो कार्ड्स हैं वो आपके 52 कार्ड्स होते हैं। उसके अंदर रेड होते हैं जो 26, ब्लैक होते हैं वो भी 26, एंड उसके बाद जो डायमंड होता है वो कितने 13, और हार्ट जो होता है वो भी कितना 13, और उसके बाद जो स्पेड होता है वो भी 13, और जो क्लब होता है वो भी 13। इतने जो कार्ड्स आपके ये होते हैं। उसके बाद जो इक्के हैं वे 4 जैक कार्ड्स, 4 क्वीन कार्ड, 4 एंड किंग कार्ड भी कितने 4, और फेस कार्ड 12। ठीक है, ये कार्ड्स आपको ध्यान होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनके बारे में तो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्या है? रेड्स 26, ब्लैक 26, डायमंड, हार्ट, स्पेड, क्लब 13 है ये सारे, और इक्का, जैक, क्वीन और किंग कितने हैं 4। ठीक है, तो अभी हम टू कार्ड्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन करेंगे टू कार्ड्स ड्रोन के करेंगे। जब भी टू कार्ड्स की बात आती है, जब भी टू कार्ड्स की बात आएगी, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, जब भी टू कार्ड्स की बात आएगी तो क्या होगा, एक तो होगा विद रिप्लेसमेंट और एक होगा विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, एक होगा विद रिप्लेसमेंट, एक होगा आपका विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है भाई, जैसे टू कार्ड्स होते हैं तो एक कार्ड निकाल लिया, ठीक है, एक कार्ड निकाल लिया, उसको वापस रख दिया, फिर दूसरा कार्ड निकाल लिया, या फिर दोनों कार्ड इकट्ठे एक साथ निकाल लिए, रिप्लेस नहीं किए। या यह भी बोल सकते हो एक कार्ड निकाल लिया, ठीक है, वो अपने पास रखा, फिर दूसरा कार्ड निकाल लिया। तो विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, ये दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं, आपने कार्ड निकाला और टू रेड कार्ड निकाले, रेड रेड, ठीक है, टू कार्ड्स ड्रॉन की बात कर रहे हैं। तो जो सेम क्वेश्चन होंगे उनको हम एक साथ कवर करेंगे, जो सेम क्वेश्चन होंगे उनको हम एक साथ कवर करेंगे, टू कार्ड्स ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। तो सबसे पहले दो रेड कार्ड निकाले, रेड निकाल ले या ब्लैक निकाल ले, एक ही बात है, क्योंकि ये भी 26 है, ये भी 26 है। टू कार्ड्स आर ड्रॉन, ठीक है, टू कार्ड्स आर ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इफ बोथ कार्ड आर रेड या ब्लैक, ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो जो कार्ड है वो कितने है 26 है। मान लीजिए एक कार्ड निकाला 26/52, अब वो कार्ड जो था वो आपने वापस रख दिया, वो कार्ड आपने वापस रख दिया, रिप्लेस कर दिया, और उसके बाद फिर दोबारा निकाल लिया, तो 26/52, तो ये जो आंसर है आपका क्या आ जाएगा 1/4 आंसर आ जाएगा। विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, कार्ड निकाला, वापस रख दिया, फिर दोबारा निकाल लिया। तो पहले कार्ड निकाला 26/52, एक कार्ड निकाला 52 में से, और रेड कितने थे 26, तो 26/52। उसके बाद वो कार्ड आपने क्या कर दिया, वापस रख दिया, वो कार्ड आपने वापस रख दिया, उसके बाद दोबारा फिर निकालेंगे, फिर यही प्रोबेबिलिटी बनेगी 26/52। तो इनको कट करोगे तो 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद एक कार्ड निकाला 26/52, निकाल लिया एक कार्ड, अब ये कार्ड आपने वापस नहीं रखा, अपने पास रख लिया, अब दोबारा से फिर एक कार्ड और निकालना है। अब पहले रेड कार्ड कितने थे 26, अब कितने हो गए 25, क्योंकि एक तो पहले निकल चुका है, और टोटल कार्ड कितने थे 52 थे, कार्ड निकल चुके हैं, अब कितने बचे 51, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, वो कार्ड अपने को रिप्लेस नहीं करना है, अपने पास ही रखना है। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं, ये आ जाएगा 25/102, ये आपका आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना इस क्वेश्चन, क्लियर।
अब एक फर्क और भी है, इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम कैसे और कैसे कर सकते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, इसको हम कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको, कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं। कैसे, 26C2 डिवाइड बाय 52C2, मतलब जब भी कॉम्बिनेशन की बात होगी हमेशा कौन सा क्वेश्चन बनता है, विदाउट रिप्लेसमेंट वाला, जब भी कॉम्बिनेशन की बात होगी। ठीक है, जब भी कॉम्बिनेशन की बात होगी, तो मैंने बोला था ना कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन भी यूज होएगा किसमें, प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अभी 26 में से 2 निकाले और डिवाइड बाय 52 में से 2 निकाले, इसको सोल्व करोगे और इसको सोल्व करोगे, आंसर जो है आपका यही आएगा, आंसर जो है आपका यही आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं और सिंपल तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद आपने कार निकाला रेड या ब्लैक, ब्लैक या रेड, ठीक है, कुछ दे नहीं रखा, मतलब दो कार्ड निकाले, कितने कार्ड निकाले, दो कार्ड, और आपको बोल रखा है कि वन इज रेड अदर इज ब्लैक, वन इज रेड अदर इज ब्लैक, ये बोल रखा है आपको। तो फिर क्या होगा, देखो यहाँ तो 26/52 एक कार्ड निकाल लिया रेड, और रख दिया दोबारा से, फिर निकाल लिया रेड, या पहले ब्लैक निकाल लिया दोबारा से फिर ब्लैक निकाल लिया, इन दोनों के सेम आंसर होंगे, इसलिए हम इनको एक साथ लेके चल, एक साथ लिख, यहाँ पे 26/52 एक कार्ड निकाल लिया अपने, एक कार्ड निकाल लिया, मान लीजिए रेड निकाल लिया, पहले पहले कौन सा निकाल लिया अपने, रेड कार्ड निकाल लिया। अब रेड कार्ड निकाल तो लिया, ठीक है, अपने पास रख लिया, अब दूसरा कौन सा निकालना है, दूसरा तो ब्लैक निकालना है, तो पहले ब्लैक निकालना हुआ क्या, नहीं पहले तो रेड निकाला था, तो रेड कितने हैं, अब ब्लैक कितने हैं, 26 है, और टोटल कार्ड कितने हैं, 51, क्योंकि एक कार्ड तो कम हो ही गया ना, एक कार्ड तो कम हो गया, क्योंकि रेड कार्ड निकाल लिया, एक कार्ड कम हो गया, 51 हो गए, लेकिन ऊपर 26 आएगा क्योंकि ब्लैक तो कम नहीं हुए ना, ब्लैक तो 26 ही है। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 13/51 आ जाएगा, 13/51 आंसर आ जाएगा। तो इसको अब हम और कॉम्बिनेशन से करें तो कैसे कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन से करें तो और कैसे कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि हमने एक केस किया ये, या तो ये वाला केस कर लो या ये वाला केस कर लो, या तो ये वाला केस कर लो या फिर ये वाला केस कर लो। इसमें तो क्या है कि फर्स्ट रेड एंड सेकंड इज ब्लैक, जो पहला केस है, पहला केस क्या है, फर्स्ट रेड एंड सेकंड इज ब्लैक, फर्स्ट इज ब्लैक सेकंड इज रेड, ये वाला केस करा है। तो अगर ये वाला केस अगर हम करेंगे तो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, देखो यहाँ से जो आंसर आएगा 26C1 मल्टीप्लाई 26C1, 26 में से एक, 26 में से एक, और नीचे आ जाएगा 52 में से दो, नीचे क्या आ जाएगा, 52 में से दो आ जाएगा, ठीक है। बट अगर आप इसको सोल्व करोगे और ये सोल्व करोगे तो आंसर जो है वो सेम नहीं आएगा, आंसर जो है वो सेम नहीं आएगा, क्योंकि तो दोनों का ही आंसर है ना, इसका भी है और इसका भी है। तो अगर आप इसको सोल्व करते हो तो ये आएगा 26 मल्टीप्लाई 26, 52, 51, और यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि डिवाइड में 2 जाएगा ना, डिवाइड में 2 जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इनमें एक फर्क है, क्या फर्क है, वन इज रेड अदर इज ब्लैक, फर्स्ट इज रेड एंड सेकंड इज ब्लैक, इन दो लाइनों में फर्क है कि नहीं, इन दो लाइनों में अंतर है कि नहीं, क्या अंतर है, पहली लाइन तो है वन इज रेड, एक रेड है दूसरा ब्लैक है, तो कोई भी रेड कोई भी ब्लैक हो सकता है, पहला रेड दूसरा ब्लैक, या पहला ब्लैक दूसरा रेड। इसमें बोलता है फर्स्ट इज रेड, पहला तो रेड होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए आपका, दूसरे वाला जो है वो क्या होना चाहिए आपका, ब्लैक होना चाहिए, दूसरे वाला, पहले वाला रेड हो और दूसरे वाला ब्लैक हो, तो यहाँ तो फिक्स हो गया, यहाँ तो क्या हो गया, फिक्स हो गया, बट इसमें जो है फिक्स नहीं हुआ,
तो ये जो आंसर है ये किसका है, ये वाला है, ये जो आंसर है आपका ये वाला है, और ये जो आंसर है ये वाला है। इसमें तो फिक्स है, फर्स्ट इज रेड सेकंड इज ब्लैक, या फर्स्ट इज ब्लैक सेकंड इज रेड, बट इसमें फिक्स नहीं है अभी कौन सा रेड है कौन सा ब्लैक है। तो इन दोनों केस को जोड़ दिया इसने, ऐड कर दिया, तो ऐड कर दिया तो टू से मल्टीप्लाई कर दिया। तो याद रखना अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू कार्ड्स ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू कार्ड्स ड्रॉन इफ वन कार्ड इज ब्लैक, ये क्वेश्चन आ जाए तो ये आंसर आएगा। और आपको फिक्स करके दे दिया कि फर्स्ट इज रेड एंड सेकेंड इज ब्लैक, फर्स्ट इज रेड एंड सेकेंड इज ब्लैक, फिर आपका ये आंसर आएगा, क्योंकि इसको दो से मल्टीप्लाई कर दिया ना। देखो इसको दो से मल्टीप्लाई करोगे यही आंसर आएगा, इसको दो से मल्टीप्लाई करोगे यही आंसर आएगा। दो से मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि ये भी केस हो सकता है और ये भी केस हो सकता है। तो अच्छे से आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि अगर क्वेश्चन आ रहा है वन इज रेड अदर इज ब्लैक, फिर तो ये आंसर है, और क्वेश्चन आ रहा है फर्स्ट इज रेड सेकेंड इज ब्लैक, या फर्स्ट इज ब्लैक सेकेंड इज रेड, तो ये वाला आंसर। क्लियर, ये ध्यान रखना बात को। अब देखिए आगे, तो भी इसी तरीके से आगे क्वेश्चन करते जाएंगे और देखते जाएंगे। जी आगे देखते हैं अब हम, देखो आगे देखते हैं। तो ये हो गया हमारा, तो अब वो करते हैं। तो अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे वो तो रेड और ब्लैक के तो कर ही लिए, अब हम क्वेश्चन करेंगे आगे यहां से, डायमंड डायमंड हार्ट हार्ट स्पेड स्पेड और क्लब क्लब, ठीक है भाई। टू कार्ड्स निकाले, वो हो सकते हैं डायमंड के हो, वो हो सकते हैं हार्ट के हो, वो हो सकते हैं स्पेड के, और वो हो सकता है क्लब के हो, ठीक है। डायमंड के हो, हार्ट के हो, स्पेड के हो, या क्लब के हो, तो चारों क्वेश्चनों का एक आंसर जो है आपका आएगा। क्वेश्चन कितने हो गए, फोर, एक आंसर आएगा, तो यहाँ पे एक और यहाँ पे। तो अगर हम विद रिप्लेसमेंट करते हैं, क्या करते हैं हम विद रिप्लेसमेंट करते हैं, तो देखिए एक कार्ड निकाला 13/52, एक कार्ड आपने निकाला, एक कार्ड निकाला तो क्या हो गया 13/52 हो गया, 13/52 हो गया। तो ये जो 13/52 करा हमने, ये जो हमने 13/52 करा, अच्छा अब वो कार्ड हमने वापस रख दिया, दोबारा से फिर निकाला 13/52, दोबारा से फिर निकाला 13/52, तो आंसर जो है आपका आ गया 1/60। एक बार निकाल लिया आपने, फिर उसको वापस रख दिया, फिर दोबारा से फिर निकाल लिया, तो आंसर आ गया 1/16, ठीक है। अब इसी को अगर हम, एक कार्ड हमने निकाला वो अपने पास रख लिया, वापिस नहीं रखा, विदाउट रिप्लेसमेंट है, ठीक है, फिर एक कार्ड और निकालना है, तो अभी आएगा 12/51, 12/51, क्योंकि एक कार्ड ऊपर से डायमंड का कम हो गया, एक कार्ड नीचे से टोटल कार्ड में से कम हो गया, तो ये हो जाएगा 1/17 आंसर आ जाएगा। इसको कट करोगे 13 से 4 पे, 4 से 3 पे, 3 से 17 पे, 1/17 आंसर आ जाएगा, तो ध्यान रखना है इसको। अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, डायमंड हार्ट डायमंड स्पेड डायमंड क्लब हार्ट स्पेड हार्ट क्लब स्पेड क्लब, ठीक है, ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो देखिएगा ध्यान से इसको, उन क्वेश्चनों को, तो क्या चीजें लिखोगे। तो डायमंड हार्ट, एक डायमंड का दूसरा हार्ट का, एक डायमंड का दूसरा स्पेड का, एक डायमंड का दूसरा क्लब का, एक हार्ट का दूसरा स्पेड का, एक एक हार्ट का दूसरा क्लब का, और एक हार्ट स्पेड का और दूसरा क्लब का, इनमें 6 क्वेश्चन बने, 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे, 12 क्वेश्चन हो जाएंगे, टोटल कितने बनेंगे 50। तो इसमें से कैसे पूछ सकता है, तो देखो एक कार्ड निकाला 13/52, वो वापस रख दिया, दोबारा से दूसरा कार्ड निकाला, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो वही 1/16 आए, बट यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि एक कार्ड आपने निकाला, एक कार्ड आपने निकाला, दूसरा कार्ड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12/51 हो जाएगा, यहाँ पे 13 ही रहेगा, क्योंकि दूसरा कार्ड अलग है ना,
मान लीजिए पहले डायमंड का निकाल लिया तो दूसरा क्या निकालना है, हर्ट का, तो ऊपर 13 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 13 डिवाइड बाय 204। अगर हम इसको सोल्व करेंगे, इन क्वेश्चनों को ऐसे भी कर सकते हैं, 13C2 डिवाइड बाय 52C2, तो ये सेम ही आंसर आएगा 1/17। बट यहाँ पे अगर करना हो 13C1 मल्टीप्लाई 13C1 डिवाइड बाय 52C, तो ये आंसर सेम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, वही वाली बात, वन इज डायमंड, वन इज डायमंड एंड अदर इज हार्ड, वन इज डायमंड और अदर इज हार्ड, फिर तो कौन सा आंसर आएगा, ये वाला। ठीक है भाई, एक डायमंड का दूसरा हार्ट का, मतलब पहला भी डायमंड का हो सकता है, दूसरा हार्ट का, या पहला हार्ट का दूसरा डायमंड, या फर्स्ट इज डायमंड एंड सेकंड इज हार्ट, तो आपका कौन सा आंसर आएगा, ये वाला। ठीक है, क्योंकि इसमें दो से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों केस ले लिए ना, अगर आप इसका आंसर देखोगे इससे डबल आएगा, जैसे पीछे क्वेश्चन में आया था, तो इसमें डबल आएगा। तो ध्यान रखना कि पूछ क्या रखा है, अगर आपसे वन इज डायमंड अदर इज हर्ट पूछ रखा है तो ये करना है, आपसे फर्स्ट इज डायमंड एंड सेकेंड इज हर्ट कह रखा है तो ये पूछना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डायमंड हर्ट को हर्ट और डायमंड भी तो लिख सकते हैं, तो दोनों केस को ऐड करना पड़ेगा ना यहाँ पे, फर्स्ट वाले में दोनों केस को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, दोनों केस को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि दो केस हो गए, यहाँ पे अपने आप ही ऐड हो जाएगी, तो ये इस बात का ध्यान आपको रखना। तो भी और आगे देखते हैं, तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बेसिक जो कंसेप्ट है वो है बस, उसके अलावा कुछ नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है अच्छे से। तो अभी हमने डायमंड हर्ट कर लिया, अब बात किसकी आएगी, एस, इक्का इक्का, जैक जैक, क्वीन क्वीन और किंग। ठीक है, तो ये कार्ड्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, बोथ कार्ड आर इक्का, बोथ कार्ड आर जैक, बोथ कार्ड आर क्वीन, बोथ कार्ड आर किंग। ठीक है, तो इनमें से कर सकते हैं, तो वही विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो अब क्या है, अगर हम कोई कार्ड निकालें, कौन सा, इक्का जैक कौन से भी निकालें, तो कितने कार्ड होते हैं, तो फोर कार्ड होते हैं, तो फोर कार्ड निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, 4/52। एक कार्ड निकाला 4/52, उसको वापस रख दिया, दोबारा फिर निकाला 4/52, तो आंसर आ गया 1/169 कट करेंगे। और अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो 4/52, एक कार्ड कम हो गया 3/51, तो ये गया 13 पे, ये गया 17 पे, आंसर आ जाएगा 1/221, 1/221। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं 4C2 डिवाइड बाय 52C2, तो ये सेम आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इक्का जैक, इक्का क्वीन, इक्का किंग, जैक क्वीन, जैक किंग, क्वीन और किंग, तो 6 क्वेश्चन और बनेंगे, 6 यहाँ पे और 6 यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4/52 मल्टीप्लाई 4/52, तो यहाँ तो सेम ही आंसर आएगा, बट यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा, एक कार्ड निकाला तो एक कार्ड कम हो गया, लेकिन ऊपर से अब दूसरा कार्ड निकाला है तो वो 4 ही रहेंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 4/663। क्या आंसर आ जाएगा, 4/663। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, किस तरीके से, कि 4C1 मल्टीप्लाई 4C1 डिवाइड बाय 52C2, लेकिन वही वाली बात, इसमें डबल आंसर आएगा, क्योंकि आपको लिखा हो सकता है वन इज इक्का अदर इज जैक। ठीक है, वन इज इक्का अदर इज जैक, तो फिर तो कौन सा आंसर बनेगा, ये वाला बनेगा,
और अगर लिखा आ जाए फर्स्ट इज एस एंड सेकंड इज जैक, फिर कौन सा आंसर बनेगा ये बात, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर दो केस बन गए, कौन से केस बन गए, एक तो बन गया इक्का और जैक, और एक बन गया जैक और इक्का, ठीक है? तो वो अपने आप ही ऐड हो गया इसके अंदर, ठीक है? तो सभी के अंदर ये चीजें, सभी के अंदर वो चीजें जो पहले हमने क्वेश्चन करा तो उसके अंदर भी ऐसे था, इसके अंदर भी ऐसे ही है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो अब ये भी हो गया, अब क्या बचा, फेस कार्ड बचा, तो फेस कार्ड के बारे में देखते हैं, बस ये फिर कंप्लीट हो जाएंगे। फेस कार्ड, तो फेस कार्ड कितने है, 12 बाय 52, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 12 बाय 52 मल्टीप्लाई 12 बाय 52, तो अगर हम इसको कट करते हैं 4 से तो ये हो जाएगा 3 बाय 13 एंड 3 बाय 13 एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका 9 बाय मल्टीप्लाई, अगर आपको करोगे इसको तो 9 बाय 169 ये आंसर हो गया। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसके अंदर तो 12 बाय 52 और 11 बाय 51, ठीक है? तो इसको कट करोगे 3 और ये 13, 3 से गया 17 पे, 11 बटा 221, ठीक है? तो ये विद रिप्लेसमेंट और ये विदाउट रिप्लेसमेंट, बस अगर आपने ये याद रख लिए तो बस टू कार्ड्स के सभी क्वेश्चन आपके हो। देखो 50 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, कैसे हो चुके हैं 50 क्वेश्चन, उससे पहले इसको ऐसे भी कर सकते हैं 12C2 डिवाइड बाय 52C2, तो सेम आंसर आएगा। तो अभी जो हमने क्वेश्चन करे, देखो कैसे कैसे करे, कितने क्वेश्चन करे, रेड रेड, ब्लैक ब्लैक, रेड ब्लैक, ब्लैक रेड, इक्का, इक्के से पहले तो डायमंड आया ना, तो डायमंड, हार्ट, स्पेड, क्लब, डायमंड हार्ट, डायमंड स्पेड, डायमंड क्लब, हार्ट स्पेड, हार्ट क्लब, स्पेड क्लब, फिर इक्का, जैक, क्वीन और किंग, ठीक है? और कौन से करें, इक्का जैक, इक्का क्वीन, इक्का किंग, जैक क्वीन, जैक किंग, क्वीन किंग और फेस फेस, ठीक है? तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो 25 विद रिप्लेसमेंट के और 25 विदाउट रिप्लेसमेंट के। अगर कोई भी क्वेश्चन आना होगा टू कार्ड्स का तो इससे में से आएगा, क्योंकि इससे बाहर तो कुछ होता ही नहीं, इससे बाहर तो कुछ होता ही नहीं, कोई क्वेश्चन होता ही नहीं इससे बाहर तो। तो सारे सेम देखिए क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ चुके हैं और अलग हैं थोड़े से, इसलिए मैं तीनों क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ठीक है? आप किसी भी एग्जाम के अंदर देख लेना, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा कार्ड्स के बारे में जितना मैंने कराया है। तो 4 कार्ड्स आर ड्रॉन ऑफ सेम कलर, सेम सूट्स, सेम नंबर, 3 क्वेश्चन है, या तो सेम कलर के हों, या सेम सूट्स के हों, या सेम नंबर। तो इसके अंदर देखिए सेम कलर, तो कितने कलर होते हैं, 2 कलर होते हैं, तो हो सकता है रेड हो या हो सकता है ब्लैक हो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 52C4। भाई सेम कलर होने चाहिए, रेड भी हो सकते हैं और ब्लैक भी हो सकते हैं, तो पहले रेड के करो फिर ब्लैक के करो, उसको ऐड करो या 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 26C4, सारे के सारे रेड मान लिया, सारे के सारे ब्लैक मान लिए, और नीचे 52C4, ऊपर 26C4, ठीक है? और रेड हो सकते हैं और ब्लैक हो सकते हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 केस बनेंगे उनको ऐड करेंगे या 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? उसके बाद है सेम सोर्स, कितने सोर्स होते हैं, सोर्स होते हैं 4, हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब, इनको सोर्स बोलते हैं। तो सेम सोर्स होना चाहिए, सेम सोर्स मतलब कि 13 में से कितने निकलेंगे, 4, 13 में से कितने निकलेंगे, 4, भाई 13 या तो सारे के सारे स्पेड के हों, या सारे के सारे हर्ट के हों, या सारे के सारे क्लब के हों, ठीक है, सारे के सारे डायमंड के हों, तो कितने केस बनेंगे, 4 केस बनेंगे, 13C4 मल्टीप्लाई 4,
और डिवाइड बाय 52C4। याद रखना इस आंसर को, ठीक है, याद रखेंगे इस आंसर को, इस तरीके से हम कर सकते हैं। उसके बाद है सेम नंबर। अब जो सेम नंबर होता है, कितने नंबर होते हैं, जैसे कि देखते हैं हम कार्ड्स पे क्या लिखा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जैक क्वीन और किंग को 11 12 और 13 नंबर बोलते हैं हम लोग, 11 12 और 13 नंबर बोलते हैं। तो चारों जो है सेम नंबर के होने चाहिए, मतलब या तो चारों इक्की या चारों दुग्गी या चारों तिग्गी या चारों चौगी चारों पंजी, मतलब ये सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं भाई, चारों कार्ड फर्स्ट नंबर के हों, चारों कार्ड सेकंड नंबर के हों, चारों कार्ड थर्ड नंबर के हों। तो कितने केस बन सकते हैं, 13 केस बन सकते हैं, ठीक है। अब 13C4 नहीं करना, टोटल केस ही 13 बने, 13 केस बने, और नीचे आएगा 52C4, तो नीचे आएगा 52C4। तो बस ये तीन क्वेश्चन हैं, तीनों के नोट कर लीजिए, आप तीनों के आंसर याद कर लीजिए, इससे बाहर और कुछ भी आपको नहीं मिलेगा कार्ड्स के बारे में। तो कार्ड्स का हमने सारे जो केस है वो हमने कंप्लीट कर लिए कार्ड्स के यहाँ पे, ठीक है, कार्ड्स के हमने सारे केस कंप्लीट कर लिए, इससे ज़्यादा कार्ड्स में और कुछ भी नहीं हो, ठीक है, इससे ज़्यादा कार्ड्स में कुछ भी नहीं होता, बस ये करना आपको अच्छे से। तो कहीं भी बुक वगैरह के अंदर देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन करेंगे, तो पहले हमने वन कार्ड के करें अपने काउंट करें वो तो 99 बनेंगे, फिर टू कार्ड्स के करें 50, और तीन क्वेश्चन ये 152 क्वेश्चन हमने कर लिए, इसे बाहर नहीं आएगा कोई, ठीक है। तो अभी हम आगे करें, आगे देखते हैं हम। हाँ जी, अब आगे करते हैं। अभी जो है वो बोल्स वाला केस तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा आज, तो एक लेक्चर के अंदर कर लेंगे। अभी हम एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, वो देख लें। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो इसके अंदर हम 6 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसके अंदर हम कितने 6 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, 6 में से कोई भी क्वेश्चन आपसे हो सकता है। और इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन जो है पेपर में इसमें से आए हुए हैं, या तो आता है ट्रूथ फॉल्स का, ट्रूथ फॉल्स का, या आता है आपका हिट द टारगेट, टारगेट हिट करना, हिट टारगेट, या तो सिलेक्शन होने का, सिलेक्शन इन इंटरव्यू। ये 3 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ चुके हैं। वैसे 2 लोग दे दिए ए या बी, ए के चांस इतने ट्रू बोलने के या फोर्स बोलने के, ए इतने टारगेट को हिट करता है, बी इतने टारगेट को हिट करता है, और ए सिलेक्शन इन इंटरव्यू के इतने चांस, बी के इतने, तो उनमें से कुछ क्वेश्चन पूछेगा। 3 क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो अब हम एक केस ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ए स्पीक्स ट्रूथ 3 out of 4, ए जो है 4 में से 3 बार सच बोलता है, बी स्पीक ट्रूथ 4 out of 5, जो बी है वो 5 में से 4 बार सच बोलता है, ए जो है वो 4 में से 3 बार सच बोलता है, ठीक है, ए जो है 4 में से 3 बार और बी 5 में से 4 बार सच बोलते हैं। अब आपको क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, तो 6 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, बोथ स्पीक ट्रूथ, सेकंड क्वेश्चन, None of truth, कोई भी ट्रूथ है ना, कोई भी ट्रूथ है ना, थर्ड एटलीस्ट वन ट्रूथ, क्वेश्चन नंबर फोर, ओनली वन ट्रूथ, क्वेश्चन नंबर 5, कॉन्ट्राडिक्ट, आप इसी को बोल सकते हो कॉन्ट्राडिक्ट,
फिफ्थ सेम लाइक, और सिक्स एट मोस्ट वन ट्रूथ। तो छह क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, ये छह क्वेश्चन है आपसे, तीनों क्वेश्चनों के अंदर पूछे जा सकते हैं, चाहे वो टारगेट हिट करने वाला हो, चाहे वो सिलेक्शन वाला हो इंटरव्यू के अंदर, सभी के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे उसमें बोल देगा बोथ हिट द टारगेट, ओनली वन हिट द टारगेट, एटलीस्ट वन हिट द टारगेट, या बोथ सिलेक्शन वन सिलेक्शन। जो कॉन्ट्राडिक्ट है, कॉन्ट्राडिक्ट का क्या मतलब होता है, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है एक दूसरे के खिलाफ, भाई एक सच बोलेगा तो दूसरा झूठ और दूसरा सच बोलेगा तो पहला झूठ, तो ओनली वन ट्रूथ, ट्रूथ तो एक ही होएगा। तब इन क्वेश्चनों का देखते देखो बोथ स्पीक ट्रूथ, तभी यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ए की प्रोबेबिलिटी 3/4 एंड बी की प्रोबेबिलिटी 4/5। बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/5, ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4 ट्रूथ बोलने की, और ट्रूथ ना बोलने की मतलब फोर्स बोलने की, ए की 1/4 एंड बी की 1/5, वन में से लेस कर देंगे उसको। तो पी ए की सच बोलने की 3/4, सच ना बोलने की 1/4, बी की सच बोलने की 4/5 और सच ना बोलने की 1/5। तो बोथ स्पीक ट्रूथ, दोनों सच बोले, दोनों सच बोले मतलब आपसे पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, तो ये बनेगा पी ए मल्टीप्लाई पी बी, तो 3/4 मल्टीप्लाई 4/5, 4 से 4 कट, आंसर इज 3/5, आंसर इज 3/5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। नन ऑफ ट्रूथ, प्रोबेबिलिटी पूछता है ए नोट और बी नोट की, तो इसमें पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट, तो ये है आपका 1/4 मल्टीप्लाई 1/5, आंसर इज 1/20। दोनों सच बोलते हैं तो दोनों सच वालों को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों झूठ बोलते हैं तो दोनों झूठ वालों को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, दोनों झूठ वालों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब एटलीस्ट वन ट्रूथ, भाई कम से कम एक सच हो, कम से कम एक सच हो, मतलब ए सच बोले ठीक है या बी सच बोले, एक सच हो, तो ये बोल सकते हैं 1- में प्रोबेबिलिटी ऑफ झूठ की, भाई झूठ ना हो, कम से कम एक सच हो, दोनों भी सच हो सकते हैं, मतलब झूठ नहीं होना चाहिए, तो 1 में से 1/20 चला गया तो 19/20 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 19/20 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 19/20, भाई झूठ बोलने की जो है वो हमने माइनस कर दी। अब ओनली वन ट्रूथ, भाई ए ट्रूथ है तो बी फॉल्स है, ठीक है ए ट्रूथ है तो बी फॉल्स है, या फिर और ए फॉल्स है तो बी ट्रूथ है। ठीक है, तो ए के सच बोलने की 3/4, बी के झूठ बोलने की 1/5, ए के झूठ बोलने की 1/4, बी के सच बोलने की 4/5, तो आंसर आ जाएगा 7/20। आंसर कितना आ जाएगा इसमें 7/20। सेम लाइक का मतलब या तो दोनों ट्रूथ या दोनों फॉल्स, दोनों ट्रूथ या दोनों फॉल्स, तो दोनों ट्रूथ और दोनों फॉल्स को ऐड कर देंगे, भी 3/5 प्लस में 1/20, तो ये हो जाएगा 4 से 12 और 1 से 13, 13/20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 13/20 हो जाएगा। एट मोस्ट वन ट्रूथ, भाई ज़्यादा से ज़्यादा वन ट्रूथ हो या ट्रूथ ना हो, दो ट्रूथ नहीं होने चाहिए, तो 1 में से दोनों ट्रूथ के माइनस कर देंगे, तो 1-3/5 आंसर इज 2/5, 1-3/5 आंसर इज क्या आ जाएगा आपका 2/5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, कितना आ जाएगा 2/5। तो ये क्वेश्चन थे, दोबारा एक बार देखेंगे, ट्रूथ फॉल्स का क्वेश्चन आएगा या हिट द टारगेट का आएगा या सिलेक्शन इन इंटरव्यू का आएगा, तो आपको या तो ट्रूथ की प्रोबेबिलिटी दे देगा, फॉल्स की निकाल लेंगे, टारगेट हिट करने की दे देगा, टारगेट हिट ना करने की निकाल लेंगे, इंटरव्यू में सेलेक्ट होने की दे देगा, इंटरव्यू में सेलेक्ट ना होने की हम माइनस कर देंगे 1 में से, तो ये आपको दे रखा है। तो 6 क्वेश्चन इनमें से बन सकते हैं, 6 से बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं बनता। कौन से, बोथ स्पीक ट्रूथ, नन स्पीक ट्रूथ, एटलीस्ट वन ट्रूथ, ठीक है ओनली वन ट्रूथ, सेम लाइक और एट मोस्ट
वन टू। तो ये जो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, 6 क्वेश्चन से ज़्यादा और कोई भी क्वेश्चन नहीं बनते। किसी भी बुक में, किसी भी क्लास में, या कोई भी टीचर आपको ये 6 क्वेश्चन इकट्ठे नहीं कराता, बस आपको क्वेश्चन करा देता है। क्वेश्चन से क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, बट जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर नहीं होगा। तो 6 क्वेश्चन अगर हम करें, हाँ जी, तो ये 6 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा तो इनमें से आपका क्वेश्चन आएगा, ये टोटल केस है आपका, ठीक है। तो अभी हमने क्या कंप्लीट कर लिया, कॉइन कर लिया, डाइस कर लिया, कार्ड्स कर लिया और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कर लिया, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन ट्राई करके देखने हैं, अगर कोई डाउट आएगा। क्वेश्चन ट्राई आज करोगे क्या? नहीं, अभी तो परमुटेशन कम्बिनेशन पेंडिंग रहता होगा, कोई बात नहीं, आप समझ लो, नोट कर लो। परमुटेशन कम्बिनेशन के आज भी डाउट्स होंगे, कल मैंने स्टडी मटेरियल से डाउट्स लिया और इतने दिन आपको टाइम दे रखा था, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के अंदर मैंने कोई होमवर्क नहीं दिया और बीच में आपका ऑफ भी आ गया था एक दिन का, ठीक है। तो आपको इतने दिन में आपका सारा परमुटेशन कम्बिनेशन कम्प्लीट हो जाना चाहिए था। डाउट्स टाइमिंग मैंने फिक्स कर रखा है, ठीक है, और ये मत करा करो कि हाँ सर अलग से डाउट्स भेज देंगे, तो उतना टाइम नहीं मिलता। तो जो डाउट्स टाइम दे उसे टाइम डाउट्स लिया करो। कल हमने स्टडी मटेरियल के डाउट्स ले लिए सारे, तो आज हम असाइनमेंट के डाउट्स लेंगे। असाइनमेंट में कोई भी डाउट्स होगा वो कवर किया जाएगा, ठीक है। जैसे आप क्वेश्चन सेंड कर देते हो, आप टाइम किस लिए देते हैं, स्पेशल टाइम भी, हाँ सारे डाउट्स, सबके डाउट्स इकट्ठे क्लियर हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आज हम असाइनमेंट के डाउट्स लेंगे प्रमोटेशन कम्बिनेशन के, कल आपका टेस्ट होगा उसका। तो बस इस तरीके से करेंगे, ये अच्छे से नोट कर लेना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर।